हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर एक कंसोल ऐप, बहुत ही इनिशियल स्टेज की प्रोग्रामिंग है ये, तो यहाँ पर एक कंसोल ऐप बनाना सीखेंगे, यानी शुरुआत कैसे करनी है वो हमें सीखना है और हम आगे चलकर के .NET में और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो जो लोग भी इस ट्यूटोरियल के थ्रू जाना चाहते हैं आ सकते हैं। यहाँ पर इस पे मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें खुद से डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ये लिखा नेम स्पेस कुछ इस तरीके से, और हम प्रिंट क्या करवाएंगे, नेम प्रिंट करवाएंगे अपना। तो यहाँ पे लिखा मैंने अपना नाम, तो ये अपना नाम लिख दिया और यहां से क्या करना है आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करके आएंगे यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है और जैसे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको बनानी होगी एक क्लास। तो यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूं मैं प्रोग्राम दे दिया। तो ये क्लास का नाम हमने दे दिया प्रोग्राम, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ एक और कर्ली ब्रेसेस हमें करना होगा ओपन, जैसे ही ओपन करते हैं तो फिर यहाँ पर मेन फंक्शन हमें बनाना है, तो यहाँ पे लिखना होगा स्टैटिक इस तरीके से और फिर यहां देना होगा void main। तो ये दे दिया void और फिर दे देंगे main, तो इस तरीके से आपको दे देना है void main, ठीक है। और जैसे ही void main दे देते हैं यहां argument पास करेंगे string, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से args कुछ भी, ठीक है। ये कर लेने के बाद क्या करना है आपको, एंटर करके नीचे आना है, यहां पर भी curly braces ओपन हो जाता है और फिर हमें प्रिंट करवाना है, जो भी प्रिंट करवाना है वो यहां पे देना है ये कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। तो ये लिखा कंसोल डॉट राइट और फिर लिखना है लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे हम पाइथन में जावा में करते हैं, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखा जाता है, पाइथन में लिखा जाता है प्रिंट और सी लैंग्वेज में लिखा जाता है प्रिंटर, और इसी तरीके से सी प्लस प्लस में भी है। तो ऐसे ही हमें यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है प्रिंट करवाने के लिए। हम यहाँ प्रिंट क्या करवाएंगे, नेम प्रिंट करवाएंगे, तो ये लिखा मैंने नेम कुछ इस तरीके से। और ये नेम लिखने के बाद अब आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर आकर के इसको करना होगा टर्मिनेट। तो तीन ब्रैकेट ओपन हुए थे, तीनों क्लोज हो गए हैं। एक बार इस प्रोग्राम को सेव करते हैं यहाँ से, तो ये सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ये सेव पे क्लिक कर दिया हमने। और सेव पे क्लिक करने के बाद अब इसको एक बार कंसोल ऐप पे जाके इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे रन करवाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट होकर आ रहा है, देख सकते हैं। अगर मैं चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने नेम स्पेस में सूरज तिवारी दिया है, यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं देवरिया लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा देवरिया इस तरीके से, और जैसे ही देवरिया लिखूंगा तो क्या ये चलेगा, तो एक बार इसको पहले यहां से सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लिया, अब यहां से कंसोल ऐप पे जाते हैं तो यहां पे देवरिया प्रिंट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने नाम दिया है इसके जगह मैं सिटी लिख सकता हूं, तो ये देखिए यहां पे चेंजेस कर रहा हूं, ये लिखा सिटी और इसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेव कर लेंगे तो फिर इसको रन करवाना है, कंसोल ऐप पे जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देवरिया प्रिंट हो रहा है। सिटी लिखने से हमें ये पता चलेगा कि ये सिटी है, ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से कुछ और देना हो, लाइक हमें कंट्री देना है तो यहाँ कंट्री कर देंगे CONTRY, ये कंट्री किया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद क्या करना है, इसको रन करवा देना है, ठीक है। और यहाँ कंट्री का नाम दे देना है थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे चेंजेस मैं कर रहा हूँ, INDIA इंडिया दे दिया और यहाँ से इसको कंट्रोल एस कर दिया ताकि ये सेव हो जाए और यहाँ से कंट्रोल एस, तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी, आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।